जैसे जैसे चुनावों का वक्त गुजरता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का झूठ, उनकी बौखलाहट, उनका जहर जो है वो सामने आ रहा है। इन लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आप जो झूठ बोल रहे हैं, आप जो समाज में नफरत परोस रहे हैं, उसका क्या असर देश की जनता पर पड़ रहा है। ताजा मिसाल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक सभा में कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो देश के अंदर गौ हत्या होनी शुरू हो जाएगी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी आकर इस देश के जो 80 फीसदी लोग हैं, यानी कि 80 फीसदी हिंदू, उनकी भावनाओं को आहत करेगी सत्ता में आने के बाद? क्या कांग्रेस ने आत्महत्या करने का मन बना लिया है कि साहब अगर हम सत्ता में आ जाएं, या उससे भी बड़ी बात, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यह दावा कर रहे हैं कि उनके मैनिफेस्टो में तमाम बातें कही गई हैं, उनके घोषणा पत्र में तमाम बातें की गई हैं जो कि सरासर झूठ है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को यह कहा हुआ है कि आपको खाने की आजादी होगी। मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं पर भी गौ हत्या, गौ मांस की बात नहीं की गई है, तो फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यह गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? यह उनकी बौखलाहट नहीं तो क्या है? मैं आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र में दरअसल मुसलमानों के बारे में क्या क्या कहा गया वो भी बताऊंगा, मगर सबसे पहले सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दो बातें और कही हैं, विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है, जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को? चलिए मुख्यमंत्री जी, हाथ कंगन को आरसी क्या। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं आदित्यनाथ जी कि ये जो बात आपने गौ हत्या पर की है, किस तरह से खुद भाजपा इस पर एक्सपोज हो रही है। मगर उससे पहले आपके सामने बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव का बयान, जिनकी सभाओं को अथाह समर्थन मिल रहा है। उन्होंने सीधा प्रहार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और वो क्या कह रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा। वो क्या कह रहे हैं, दो चरण के चुनावों के बीच ही प्रधानमंत्री ने अब की बार 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है। देख रहे हो ना विनोद, आपको वो याद है पंचायत एक सीरियल है जिसमें एक डायलॉग आता है, देख रहा है ना विनोद, तो यहां पर उसी डायलॉग का इस्तेमाल जो है तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं, और जो बात सही भी है, मगर प्रधानमंत्री इस वक्त जो बातें कर रहे हैं वो निहायत ही शर्मनाक है। कभी वो विरासत कर के बारे में गलत बयानी करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मुसलमानों के बारे में अनर्गल बातें करते हैं, और अब सुना आपने किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यह तक कह दिया कि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो गौ हत्या शुरू हो जाएगी। चलिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। इस खबर को देखिए, पहले कराई गोकशी, फिर घेरा थाना, बजरंग दल नेताओं की अजब कारिस्तानी का खुलासा, चार गिरफ्तार। बजरंग दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है ना, आपकी सहयोगी संस्था है। ये देखिए, पुलिस ने इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया हुआ, ये सब बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। इनका मकसद ये था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कि किसी तरह से समाज के अंदर अराजकता फैलाना। आपकी खुद की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। बजरंग दल तो भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीब है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये तमाम संस्थाएं तो उत्तर प्रदेश में आपके सत्ता में आने के बाद मजबूत हुई हैं। तो सवाल ये कि जब आप कांग्रेस पर ये आरोप लगाते हैं तो क्या आप खुद गिरबान में झांक कर देखते हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता पकड़े गए थे इसमें? और आपकी स्क्रीन पर यह है संगीत सोम, आजकल नाराज चल रहे हैं आपसे। क्या आप जानते हैं कि संगीत सोम दो हलाल मीट कंपनियों से जुड़े हुए थे, हलाल मांस कंपनियों से? एनडीटीवी की खबर क्या कहती है, खबर, बीजेपी नेता संगीत सोम के मीट कारोबार से लिंक। अंग्रेजी में फिर हिंदी में अनुवाद करूंगा। दो कंपनियां हैं दोस्तों, अल दुआ
अल अनाम दोनों के साथ जुड़े हुए थे संगीत सोम, जो ये दावा करते हैं कि मैं एक वेजिटेरियन हूं, मैं एक शाकाहारी हूं, फिर भी दो हलाल मीट कंपनियों के साथ जुड़े हुए थे। और भाजपा के नेता हैं, खबर क्या कहती है, द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज डॉक्यूमेंट शो दैट मिस्टर सोम वॉज अ डायरेक्टर एट द अल दुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम 2005 to 2008। 2005 से 2008 के बीच संगीत सोम अल दुआ मीट कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। ऑन इट्स वेबसाइट अल दुआ क्लेम्स टू बी अ लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ हलाल मीट फ्रॉम इंडिया। भारत से बाहर भेजे जाने वाले हलाल मीट से जुड़ा हुआ है अल दुआ, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जिससे जुड़े हुए थे संगीत सोम। एक और कंपनी जिसका नाम है अल अनाम, जो कि एक और मीट प्रोसेसिंग कंपनी है, इनके दस्तावेज भी एनडीटीवी के मुताबिक ये बता रहे हैं कि इनके एसोसिएट डायरेक्टर थे संगीत सोम। अब मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से, आपके खुद के नेता मीट कंपनियों से जुड़े हुए हैं और आप यह कह रहे हैं कि कांग्रेस के आने के बाद जो है गौ हत्या बढ़ जाएगी। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केरल में आप ही के एक नेता ने कहा था कि अगर हम केरल में सत्ता आ गए तो प्रदेश की जनता को हम बेहतरीन क्वालिटी का बीफ मुहैया कराएंगे, कहा था ना। दूसरी बात, गोवा में एक अरसे से आपकी सरकार है, वहां पर गोमांस मिलता है, गोमांस परोसा जाता है, तो बताइए ना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आपकी सरकार है, आपने क्यों नहीं हिम्मत किया, वहां गौ मीट पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई। भाई गाय तो हमारी माता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे गोवा में हो, चाहे पूर्वोत्तर में हो। पूर्वोत्तर में भी कई जगहों पर आपकी सरकारें हैं, क्या आपने वहां पर गौ हत्या को बंद करवा दिया है? नहीं करवाया है। केरल के अंदर आप ही के नेता जो हैं वो बेहतरीन क्वालिटी के बीफ मुहैया कराने की बात करते हैं, काउ मीट मुहैया कराने की बात करते हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, क्या आपके पास ये अधिकार है कहने का? मगर सबसे बड़ी बात मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप ये कहते हैं कि साहब जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आएगी तो गौ हत्या शुरू हो जाएगी। सबसे पहली बात, कई राज्यों में गौ हत्या के खिलाफ कानून है, उन कानूनों को पलटा नहीं जा सकता। और उससे भी बड़ी बात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों में सरकार आपकी है कि नहीं, असम, इन तमाम राज्यों में सरकार आपकी है और जो कानून है वहां का वो भाजपा के हिसाब से चलता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन राज्यों में गौ हत्या कैसे शुरू हो जाएगी अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है? मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, इस तरह से आप क्यों बौखलाहट या गलत बयानी कर रहे हैं? मैं फिर देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपके सामने भड़काऊ बयान देकर, झूठे बयान देकर क्या आपका वोट हासिल कर सकती है? क्या आप झूठ से इंस्पायर होकर वोट देंगे? और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार इस तरह की बयानबाजी करके आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी समझदारी पर सवाल उठा रहे हैं। बार बार यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस वजूद में आ गई तो उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि आपकी सारी संपत्ति मुसलमानों को दे दी जाएगी या गौ हत्या शुरू हो जाएगी। चलिए मैं आपके सामने पढ़ता हूं कि उनके मैनिफेस्टो में मुसलमानों के बारे में क्या लिखा है, एक एक करके। सबसे पहले, कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। संविधान की बात हो रही है भाई, क्या आप संविधान के खिलाफ हैं? दूसरा, कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 के तहत भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। एक बार फिर संविधान की बात की जा रही है और यहां जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक के अंदर मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं। आगे देखिए साहब, कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवा, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता देगी। और आठवें अंक पर गौर करें, कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधारों को बढ़ावा देगी। ये सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे, यानी कि जिन पर्सनल लॉस को, जिन व्यक्तिगत कानूनों को रूढ़िवादी बताया जाता है उसमें तो कांग्रेस सुधार लाने की बात कर रही है, हालांकि वो ये भी कह रही है कि हम उनसे मशवरा करेंगे।
और अमित शाह क्या कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो शरिया का कानून लगा दिया जाएगा। यही बात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कह रहे हैं। मैं बाकायदा आपको दिखा रहा हूं कि मुसलमानों के बारे में उनका घोषणा पत्र क्या कह रहा है। कहीं पर गौ हत्या का जिक्र नहीं है, कहीं पर मंगलसूत्र का जिक्र नहीं है। तो ये तमाम बातें क्यों कही जा रही हैं? क्या बौखलाहट है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और न सिर्फ बौखलाहट है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अहंकार भी दिखाई दे रहा है। पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक ने वीडियो पेश किया है और मेरे मित्र रवीश ने भी इस वीडियो को पेश किया है। मैं आपको बताता हूं पहले पत्रकार राकेश पाठक कह क्या रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। गुना से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की धर्मपत्नी श्रीमती प्रियदर्शनी राजे और स्थानीय महिलाओं के बीच संवाद। वो महिलाओं से कह रही हैं, आपका काम करना मेरा काम नहीं है, अपना काम खुद करें। आपकी स्क्रीन पर यह हैं प्रियदर्शनी राजे, ज्योतिरादित्य जी की पत्नी। अहंकार देखिए, आपका काम करना मेरा काम नहीं है। यह अहंकार आता कहां से दोस्तों, वो भी चुनावी मौसम पर। यह आश्वासन भाजपा के नेताओं को कहां से मिलता है, उनके रिश्तेदारों को कहां से मिलता है कि आप जनता के मुंह पर उनकी तौहीन करेंगे, उनके मुंह पर तमाचा मारेंगे। और आप ये वीडियो देखिएगा दोस्तों, वो जो महिलाएं हैं बहुत सरल अंदाज में बहुत प्यार से उनसे पूछ रही हैं। हमारी एमपी की महिलाएं बहुत सरल होती हैं दोस्तों, मैं चाहूंगा कितने प्यारे अंदाज में वो महिला पूछ रही है। और अहंकार देखिए मोहतरमा का, मैडम का अहंकार देखिए, देखते हैं। ये टंकी बनी रखी हुई है, टंकी का काम बंद कर दिया है। आप लिखो और मेरे को दो, मेरा काम नहीं है, आपका काम करना है। हम लिखेंगे मैडम, मैडम हम लिखेंगे। आप बन जाओगी ना तो एक बार जरूर चक्कर लगाना, पानी की व्यवस्था करने की व्यवस्था, खुद अपना काम करना सीखो। ये टंकी, मैं फिर पूछना चाहूंगा, ये अहंकार आता कहां से है, ये ओवर कॉन्फिडेंस भाजपा में आ कहां से रहा है कि हम जनता के मुंह पर तमाचे मारते रहेंगे, हम झूठ के आधार पर उन्हें बरगलाते रहेंगे। क्योंकि देखिए, मैंने अब तक जितनी भी मिसालें इस वाले बयान से पहले आपको दिखाई, वो थी कि भाई भाजपा गौ हत्या के मामले में, विरासत कर के मामले में, शरिया के मामले में जनता को झूठ बोल रही है। यानी कि उसे लगता है कि जनता को मूर्ख बनाकर, जनता के मुंह पर झूठ का तमाशा मार के हम वोट हासिल कर सकते हैं। और अब ये वीडियो देखा आपने प्रियदर्शनी जी का, यहां पर वो जनता से कह रही है, तुम्हारा काम करना मेरा काम नहीं है। और ये एकमात्र नहीं है, हेमा मालिनी का मैं आपको इंटरव्यू दिखाना चाहता हूं। एक यूट्यूब चैनल में हेमा मालिनी ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाना मेरा काम नहीं है, मैं तो ऑफिस में बैठूंगी। सुनिए क्या कह रही हैं। काम ये नहीं कि मैं घर घर जाके बैठा उनके साथ, दिस इज नॉट माई जॉब। मेरा काम क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो थोड़ी एवरीबडी हाउस देगा, दे हैव गॉट डिफरेंट वर्क फॉर हिम। मेरे हिसाब से एज ए सांसद मेरा अलग काम होता है, पब्लिक में जब मीटिंग्स वगैरह होता है हम जाते हैं जी। उसके अलावा हमें, हमारे विधायक लोग उन लोगों के लेवल में उनके सब साथ में रहेंगे, दैट इज देयर ड्यूटी टू डू दैट जी। माय ड्यूटी इज व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट आई एम देयर, व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाई एवरी डे आई शुड बी सिटिंग विद एवरीबॉडी, देयर इज नो नीड, बट आई एम डूइंग माय वर्क ना। माय वर्क इज इन ऑफिस, आई गो टू द मीटिंग्स, आई गेट एग्जीक्यूट सो मेनी थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो सब मैं देखती हूँ, वो सारा काम इम्प्लीमेंट करती रहती हूँ ना। ये काम ज्यादा जरूरी है कि लोगों में बैठना जरूरी है, लोगों में बैठेंगे फोटो लेंगे और क्या करेंगे। मैं फिर पूछना चाहता हूँ दोस्तों, ये अहंकार आता कहां से है, कभी झूठ कभी अहंकार, सारी हदों को भाजपा पार कर रही है। आप में से कई लोग मुझसे कहेंगे कि भाई मैं भाजपा के पीछे पड़ा हूं, नहीं साहब, मुझे मिसाल दीजिए। ये जो मिसाल सामने उभर कर आ रही है बार बार झूठ बोलने की, ये अन्य पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं दिखाई दे रही है। ये जो अहंकार है जो आपने प्रियदर्शनी जी के संदर्भ में देखा और उसके बाद हेमा मालिनी जी के संदर्भ में, ये आपको कहां पर दिखाई दे रही बताइए, मगर ये दिखाई दे रही है। भाजपा जानती है कि उनके इन कारनामों की चर्चा मीडिया नहीं करने वाला है, उल्टा जो झूठ बोला जा रहा है उसे उपलब्धि के तौर पर इनके पालतू मीडिया कर रही है। तो मैं समझना चाहता हूं आपसे, क्यों ये अहंकार, क्यों ये झूठ, क्यों मेरे देश की जनता का अपमान करना बंद कीजिए। मुद्दों पर आइए, महंगाई बेरोजगारी की बात कीजिए,
सालों से जिस तरह की ज्यादती कुछ लोगों पर हो रही है उसकी बात कीजिए। मुद्दों पर आने से आपको क्या डर है? झूठ पर आप इसलिए बने रहना चाहते हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि हम सत्ता में तभी आएंगे जब हम देश की जनता को बरगलाएंगे, कभी मंगलसूत्र के नाम पर, कभी गौ हत्या के नाम पर, कभी विरासत कर के नाम पर, कभी मुस्लिम लीग के नाम पर। सीरियसली, शर्मानी चाहिए भाजपा को। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।